हेलो एवरीवन, वेलकम। सो वी आर इनटू निर्देश चतुष्क। कौन बताएगा निर्देश चतुष्क का मीनिंग क्या था इन वन वर्ड टू वर्ड्स? हमने देखा ना, कल परसों देखा जब स्टार्ट किया था, निर्देश का मीनिंग क्या है। हर एक अध्याय के चतुष्क के स्टार्टिंग में चक्रपाणि ने उस वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है। भेषज चतुष्क मतलब उसका मीनिंग क्या, निर्देश का मीनिंग क्या, कौन बताएगा जल्दी से? कम ऑन, टू इंडिकेट। ओके, निर्देश का चक्रपाणि ने दिया हुआ मीनिंग ऐसा है कि स्वस्थ आतुर दोनों के लिए जो हितकर है वो चीजें यहाँ पर बताई गई है। और मैंने आपको उसका मीनिंग बताया था, यस राइट प्रिया मैम, कि इशारा मात्र किया हुआ है, इशारे है ये सब। तो जब भी ये अध्याय पढ़ो तो ये समझ के चलना कि कुछ चीजें स्वस्थ के लिए है, कुछ आतुर के लिए है, इशारे है ये सब समझने के लिए, या यूज है इनका प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं पर। ओके, directly or indirectly you are using these things, or if you are not using you have to use those things. तो पहले तो तीन एशनाओं का वर्णन है, इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, इसमें कुछ इतनी खास बात नहीं है। प्राणेशना, धनेशना, परलोकेशना, हर एक व्यक्ति को ये तीन चीजें चाहिए ही होती है, इसके सिवा हमारा गुजारा नहीं है। फिर बाद में कुछ पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए उन्होंने कुछ बातें यहाँ पर रखी है। ये 12th नंबर का जो श्लोक है वो देख लीजिएगा। विद्यात् स्वाभाविकं षण्णां धातूनां यत् स्वलक्षणं संयोगे च वियोगे च तेषां कर्म एव कारणं। छह धातु है यहाँ पर, छह धातु शब्द से अर्थ क्या लिया है, तो पंचमहाभूत और आत्मा। इन छह धातुओं को अपने अपने लक्षण है, उन्हें स्वाभाविक जानने चाहिए, और इन छह धातुओं के संयोग और वियोग में कर्म ही कारण है। ध्यान रखना, संयोगे च वियोगे च तेषां कर्म एव कारण। कर्म मतलब क्या, तो अभी नीचे टीका में दिया है, तत् लास्ट लाइन चक्रपाणि टीका की, तत् भूत संयोग विभाग कारण जन्मांतर कृत कर्म स्वीकारात् प्रत्यभावः स्वीकृतो भवति इति भावः। ओके, इन भूतों के संयोग और वियोग के कारण दूसरे जन्मों में किए गए कर्म के स्वीकार करने से प्रत्यभाव स्वीकृत होता है। ये भाव है, प्रत्यय भाव का मीनिंग होता है मरने के बाद की आत्मा की अवस्था, आत्मा की जो भी गति है मृत्यु के पश्चात, फिर वो स्वर्ग हो, निश्रेयस, अमोक्ष हो, जो भी कुछ हो। वो कहने का आशय ये है कि बहुत बार अभी हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज या जो भी कुछ निर्माण होता है किसी भी जीव का, तो हम क्रेडिट उस चीज को देते हैं, या कभी कभी हमारी वजह से भी कोई पेशेंट्स जिनको इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स थे, तो उनमें फर्टिलिटी रह जाती है, दे बिकम दे कंसीव। सो उसमें कारण हम कभी कभी खुद को समझते हैं, या हमारी वजह से हुआ, या इस दवाई के वजह से हुआ, पंचकर्म की वजह से हुआ, तो ऐसा नहीं है। दे कैन बी निमित्त मात्र, वास्तव में संयोगे च वियोगे च तेषां कर्म एव कारणम एव इति अवधारणा, निश्चय पूर्वक। पंचमहाभूत और जीव, पंचमहाभूत और आत्मा, इनको जोड़ने का कोई काम करता है तो वो आपके पूर्वकृत कर्म है। क्लियर कट इंडिकेशन है कि दैव जिसका स्ट्रांग है वहां पर ही गर्भ की निर्मिति होगी, या संयोग भी टिका रहेगा। आपके पंचमहाभूत और आत्मा यानी कि आयु की अनुवृत्ति, चेतना की अनुवृत्ति जो है, जिसे आयु कहा गया है, वो चैतन्य कब टिकेगा, यदि आपका दैव स्ट्रांग हो तो। दैव को हर एक जगह पर एक इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, ये बात आपको सिर्फ बैक ऑफ द माइंड में डालना चाहता हूँ, बाद में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी 17 श्लोक में परीक्षा बता दी गई है। द्विविधम एव खलु सर्वम सच्चा सच्चा, सभी वस्तुएं दो प्रकार की है, सत असत, जीरो एंड वन, बाइनरी कोडिंग, एवरीथिंग इज जीरो एंड वन।
कुछ भी आप उठा के देख लो, जीरो और वन के अलावा कुछ नहीं है, इसके ही परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। सत असत, शीत उष्ण, एवरीथिंग द्वंद्वात्मक है, एक ही चीज है, दो द्वंद्वातीत है, और वो है ब्रह्म। बाकी सभी चीजें द्वंद्वों में बिखरी हुई है, और इन द्वंद्वों को यदि आपको जानना है तो चतुर्विध परीक्षा बताई गई है। फिर से क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्षम, अनुमानम, युक्तिश्चैति। कुछ भी चीज, कुछ भी भाव, व्यक्ति का, व्यक्ति की बीमारी हो, उसका स्वास्थ्य हो, हेतु हो, कुछ भी आपको पहचानना है, समझना है, जानना है, तो पहला प्रमाण कौन सा है? आप्तोपदेश। ये हम हमेशा भूल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरे गुरुओं ने ऐसा कहा है, इसीलिए आप किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हो। इनका कहना क्या है, पहले हमने जो कहा है उसे आप प्रमाण मानो। आप्तोपदेश, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरा, फर्स्ट शास्त्र क्या कहता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आफ्टर दैट इट इज प्रत्यक्ष, आफ्टर दैट अनुमान, और वो करने के बाद आपकी बुद्धि है उतनी स्ट्रांग, तो फिर आप युक्ति लगाओ। पहले युक्ति नहीं लगानी है, पहले आप्तोपदेश, फर्स्ट जैसा है वैसा है या नहीं। दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न ही परीक्षेत च रोगी नाम, यह आप्तवाक्य है। पेशेंट आने के बाद पहले सिर्फ उसे देखो, पहले सिर्फ उसका स्पर्श करो, फिर प्रश्न पूछो, यह आप्तत्व है। हम क्या करते हैं, या पेशेंट हमसे क्या करवाता है, आते ही पहले फाइल्स डाल देता है टेबल के ऊपर, और हम पहले ही फाइल्स देखना शुरू कर देते हैं बिना उस व्यक्ति का दर्शन परीक्षण या स्पर्शन परीक्षण किए हुए। ये क्रम क्यों दिया गया है, उसके पीछे भी तो एक वजह है। दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही, पहले दर्शन, दृष्टि ही डालो, आपकी दृष्टि में ही करुणा भाव है, वो दृष्टि उस रुग्ण पर गिरनी चाहिए, आपका एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होना चाहिए, आपकी दृष्टि से उसको आपकी सत्व की गरिमा क्या है वो पता हो जानी चाहिए। उसके बाद स्पर्श विज्ञान, स्पर्श में बहुत ताकत जो इसी अध्याय में दिया गया है, उसको एक सुखद स्पर्श दीजिए, या नाड़ी से उसको समझने की कोशिश कीजिए, और खामोश रहिए 5 मिनट तक, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो, महसूस करो स्पर्श से, और उसके बाद उसे प्रश्न पूछो। इजंट दिस अ वंडरफुल वे टू कनेक्ट विथ अ पर्सन, रुग्ण छोड़ दीजिए, किसी को भी यदि आपको समझना है ठीक से, तो इजंट दिस द मोस्ट ब्यूटिफुल वे, फर्स्ट ऑब्जर्व जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑब्जर्विंग, देन फील जस्ट फॉर द सेक ऑफ फीलिंग, एंड देन आस्क, फिर उसको शब्दों से सुनने की कोशिश करो, राइट और रॉन्ग। राइट, वी सत, सर ने पूछा है द्विविधम एव खलु, में सच और सत, सत असत क्या है, तो सत यानी विधि विषय के प्रमाण से प्रतीयमान, प्रमाणों से जानने योग्य भावरूप, जो भी प्रमाणों से जानने योग्य है वो सभी सत है, और असत क्या है, जो निषेध विषय के प्रमाण से प्रतीयमान अभाव रूप है। दिया है टीका में, सद इति विधि विषय प्रमाणगम्यम भावरूपम, असद इति निषेध विषय प्रमाणगम्यम अभावरूपम। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीजें होती है, प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज से कोशिश करना इस चीज को प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करने की, आपका अवेयरनेस भी कितना बढ़ता है। देखो पेशेंट आए, 1 मिनट सिर्फ देखो उसको, उसके नाखून देखो, आंखें देखो, नाक कैसा है देखो, जबान कैसी है देखो, ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है देखो, उससे सिर्फ सारता भी समझ में आ जाएगी आपकी। जबान कैसी है देखो, वेरी सिंपल थिंग, प्रकृति परीक्षण का मैं बहुत मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, सिंपल तरीका, सिर्फ उसको टंग बाहर निकालने को बोलना है पेशेंट को, जिसको टंग बाहर निकालने के बाद पूरा अंदर का ब्रह्मांड दिखता है तो वो वात प्रकृति है, जिसकी टंग बहुत छोटी है वो कफ प्रकृति है, और जिसकी टंग मध्यम है ये पित्त प्रकृति है। सिंपल, ये एकांत हो गया, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आपको आसानी हो जाती है समझने में, सिर्फ जबान देखने मात्र से इतना आपको समझ में आ जाता है। उसको अगर बोलोगे आप कि पूरी जबान बाहर निकालो, तो अंदर का पूरा स्ट्रक्चर यदि दिख जाए, टॉन्सिल्स आदि चीजें अंदर तक सब डीप, तो समझ लेना कि ये वात प्रकृति है, जिसकी जिह्वा बड़ी है, वात छोटी है, कुछ अंदर का दिख नहीं रहा है, बाहर निकालने पर भी अल्प ही बाहर निकलती है, कफ है, और जिसके मध्य में पित्त है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा दर्शन का एप्लीकेशन कितनी जगह पर है, और ये कब समझ में आएगा, ये है लिखा हुआ ऑलरेडी, बट बिकॉज हम
उस एंगल से नहीं देखते कि आप्तोपदेश इतना बड़ा है। जब हम आप्तोपदेश को इतना बड़ा समझेंगे तब हमें ये चीजें विजुअलाइज होगी जो कि ऑलरेडी है, बट हमने खुद को श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया है या किसी गुरु को श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया, इसलिए शास्त्र पीछे रह गया है और हमारी बातें आगे आ गई है और हम तो कोई आप्त है नहीं और हो भी नहीं सकते। इसलिए हमारा जो भी कुछ तर्क है, कितने ही बड़े क्यों ना गुरु हो, उसके तर्क में खामी ही रहेगी। बिकॉज रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन च, रज और तम से मुक्त होकर तप और ज्ञान की प्राप्ति से आई हुई चीजें नहीं है, वो कहीं ना कहीं रज और तम से इंड्यूस्ड ही रहेगा। सो इट इज नॉट फ्लॉलेस नॉलेज। कभी कभी अर्थ भी कैसे हम गलत लगा लेते हैं एक वाक्य का। श्लोक नंबर 19 आप्त की व्याख्या दी है, उसमें ही लिखा है आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षयन्ति ते कस्माद् असत्यम निरजस्तमः। इसको अगर हम ऐसा ब्रेक कर दें, सत्यम वक्षयन्ति ते कस्माद्, वो सत्य क्यों बोलेंगे, वो असत्य ही बोलेंगे, निरजस्तमः, तो ऐसा भी कोई कोई अर्थ लगा सकता है। तो वैसा नहीं है, उसका ब्रेक जो है वर्ड का, सेंटेंस का ऐसा है, सत्यम वक्षयन्ति ते, वो हमेशा सत्य ही बोलते हैं, कस्माद् असत्यम, क्यों असत्य बोलेंगे, क्योंकि वो निरजस्तमः यानी कि रज और तम से परे जा चुके हैं। उसके बाद फिर त्रय उपस्तंभ का भी बहुत बड़ा जिक्र यहाँ पर आया है, स्वस्थ आतुर दोनों के लिए हित करें हैं। हमें हमेशा ये देखना है, हम देखते ही है, अभी और अवेयरनेस के साथ देखेंगे। आहार स्वप्न ब्रह्मचर्यम इति, पेशेंट का आहार कैसा है, तो पहली चीज क्या देखोगे आहार में, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पेशेंट आए तो आहार से रिलेटेड क्या पूछोगे, ये हमने ले लिया है, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हो आप, बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछोगे, व्हाट शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन, अरे हमने तो देखा है ये स्वस्थ चतुष्क की शुरुआत किससे है, एग्जैक्टली मात्रा, मात्रा शी सात इज द फर्स्ट नियम, पुनः अग्नि बला अपेक्षणी, कितना खाना खाते हो और उसको कितना खाना खाते हो तो वो बोलेगा थोड़ा खाता हूँ, बहुत खाता हूँ, पेट भर के खाता हूँ, तो आपको उसको ठीक से डिटेल में जाके पूछना है कितनी रोटी खाते हो, चार रोटी खाते हो, पहले कितनी रोटी खाते थे, दो साल पहले, एक साल पहले, अभी कितना खाते हो, खाना खाने के बाद आलस लगता है क्या, कितनी देर तक आलस लगता है, या खाना खाने के बाद हल्का महसूस होता है, या खाना खाने के बाद तुरंत नींद आती है, इस प्रकार का क्वेश्चन। फिर सर्वग्रह परिग्रह के हिसाब से, यदि सब्जी खाते हो तो सब्जी कितनी खाते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं सब्जी बहुत ज़्यादा खाते हैं और रोटी बहुत कम खाते हैं, और आयुर्वेद में कहा है कि हितभुक मितभुक अशाक भूक, शाक का सेवन कम करना है, तो सर्वग्रह ग्रह परिग्रह से भी मात्रा देखनी है। चटनी चटनी की ही क्वांटिटी में खानी चाहिए, सब्जी सब्जी की क्वांटिटी में और रोटी रोटी की क्वांटिटी में, सिर्फ मात्रा देखने मात्र से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशन से आहार के, लेकिन फर्स्ट इज आहार, फर्स्ट इज मात्रा, बिकॉज इट इज इन मात्रा शीतिया। फिर स्वप्न निद्रा, निद्रा के ऊपर मैंने एक बीच में पूरा एक माइंड मैप जैसे बनाया था, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो, कि निद्रा कितनी जगह पर इम्पोर्टेंट है, एक व्यक्ति इम्प्रूव हो रहा है या नहीं आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से, ये आप कैसे पहचानोगे, एक जैसे ही यहाँ पर सूझा है इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि एक पेशेंट आपकी ट्रीटमेंट से ठीक हो रहा है या नहीं, साइंटिफिकली, या सिर्फ वो तो बोलेगा ही मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इन आइदर वेज इट इज अ हाफ आंसर, सो हाउ विल यू प्रूव टू द पेशेंट एंड टू योर सेल्फ दैट द पेशेंट इज इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ योर ट्रीटमेंट, वेरी नाइस बल अग्नि प्रसन्नात्मा, आप सब अच्छा बोल रहे हो, लेकिन शास्त्र के हिसाब से आंसर अपेक्षित है, शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र का प्रयोजन क्या है, चरक संहिता का प्रयोजन क्या है, धातु साम्य, एग्जैक्टली, तो यदि उसमें धातु साम्य हो रहा है तो समझना चाहिए कि वो स्वस्थ हो रहा है, राइट और रॉन्ग,
कैसे समझेंगे कि धातु साम्य हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहीं पर लक्षण दिए होने चाहिए ऐसे धातु साम्य के, राइट? ये आपका कर्तव्य है हर पेशेंट में देखना। सारता इज, सारता का, सारता परीक्षण किसके लिए है? तो बल प्रमाण विशेष ज्ञानार्थम, बल और प्रमाण जानने के लिए सारता है, धातु साम्य के लिए सारता नहीं है। यस, चरक विमान 8 में बताया है धातु साम्य के लक्षण, कौन बताएगा? ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, देख लेते हैं हम इसको। कौन सी तंत्र युक्ति यूज की हमने अभी? हम पढ़ रहे हैं त्रिश्लेषणीय में है, आहार है, स्वप्न है, वहां से हम लोग इधर आए हैं अभी चरक विमान 8 में। विच तंत्र युक्ति हैव वी यूज्ड? यस, अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति एक, दूसरा प्रसंग तंत्र युक्ति। प्रसंग किसका था? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का। उससे ये तीनों चीजें सही होगी तो क्या अच्छा रहेगा? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा वो कैसे समझे? धातु साम्य से। इसलिए हम कहाँ पर आए? तो धातु साम्य देखने के लिए यहाँ पर आए। ओके, इस तरीके से तंत्र युक्तियां लगानी होती है या हम लगाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, लर्न कर सकते हो तो लर्न कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग बोलते हैं आयुर्वेद में प्रमाण नहीं, ब्लड पैरामीटर्स नहीं, कैसे समझे? तो एवरीथिंग इज गिवन। कार्यम धातु साम्यम, हमारा कार्य क्या है? तो धातु साम्य करना। उसके लक्षण क्या है? विकार उपशमः, विकार की शांति होना, ये उसका एक शब्द में लक्षण है। उसकी परीक्षा क्या है? तो कैसे परीक्षा करेंगे कि एक का विकार उपशम हो रहा है या नहीं? फर्स्ट थिंग इज रोग उपशमनम, जो भी कोई वेदना लेकर वो यदि आया है तो उसकी वेदना में कमी होना। फिर उसको आप स्केल बना सकते हो कि पहले उसकी वेदना 10 थी तो अभी स्केल 5 हो गई, 4 हो गई। ओके, रोग उपशमनम, बहुत सारे पेशेंट रहेंगे वेदना नहीं होगी, शूद्र का पेशेंट है, वेदना कहीं पर भी नहीं है, मानसिक वेदना है सिर्फ, तो वो भी एक वेदना के अंतर्गत आएगा। या तो ये भी एक इफेक्ट दिखता है, शूद्र का पेशेंट है, मानसिक वेदना है, उसको उसकी चीज के बारे में बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे शूद्र है, शूद्र है, शूद्र है, लेकिन आप आपकी ट्रीटमेंट से या आपकी जो भी कोई एक्टिविटीज है उससे उसका सत्व बढ़ता है, तब वो अपने श्वित्र को एक्सेप्ट करता है पॉजिटिवली। एक्सेप्टेंस ऑफ वंस डिजीज पॉजिटिवली इज ऑल्सो एन इम्प्रूवमेंट, और वो पेन स्केल से आपको समझ में आता है। पहले उसको उसका श्वित्र 8 लगेगा पेन स्केल पे, लेकिन आपकी ट्रीटमेंट के बाद उसको 5 या 6 लगने लगना, इट इज इटसेल्फ एन इंडिकेशन कि उसकी प्रज्ञा विशुद्ध हो रही है, उसका सत्व बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं खुद को एक्सेप्ट कर रहा है। एंड एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट की। डू यू एग्री विथ मी? व्यक्ति यदि एक्सेप्ट करता है कि यस मुझे कैंसर है, यस मुझे प्रतिष्ठाएं है, यस मैं क्रोधी हूं, देन ट्रीटमेंट आगे की इफेक्टिव होगी। यदि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है तो आप कुछ भी कर लो, उसको एक लिमिटेशन आ जाएगा ट्रीटमेंट को, है ना? अगेन इसका लॉजिक पंचकोश में है, क्योंकि कंट्रोल अंदर से बाहर है। यदि उसकी प्रज्ञा अच्छी हो रही है, सत्व अच्छा हो रहा है, तो अपने आप उसका इफेक्ट आज न कल अन्नमय कोश पे दिखेगा। स्वरूप उपशमनम, स्वर वर्ण योगा, स्वर अच्छा होना। इसलिए ये श्रुति परीक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जब आता है हमारे पास तो उसका स्वर आर्द्र होता है या स्वर क्षीण होता है, क्षाम होता है, तो वो स्वर में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। वर्ण, उसके वर्ण में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अपने आप अग्नि भी इंप्रूव हो रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन वर्ण में दिखेगा। ओज इंप्रूव हो रहा है तो उसका इफेक्ट स्वर और वर्ण में दिखेगा। शरीर उपचयः, जो भी उसका वेट था वो प्रकृत होने लग गया है। शरीर उपचय, वेट से मतलब आप बाकी की भी चीजें उसमें ले सकते हैं, यानी कि डायमीटर, परिनाह भी परीक्षण आप कर सकते हो अलग अलग अवयवों का। श्लोक नंबर 89, चरक विमान स्थान 8, बल वृद्धि, उसके बल में वृद्धि हो रही है। व्यायाम बल शक्तियां, व्यायाम करने की उसकी क्षमता बढ़ रही है, तो आपको समझेगा कि उसका बल बढ़ रहा है। इस तरीके से आप पूछ सकते हो। अव्यवहार्य अभिलाषा, खाने की इच्छा होना, खाने की संख्या में वृद्धि होना, अव्यवहार में बढ़ोतरी होना। 2 चपाती खा रहा था, 3 की इच्छा हो रही है, अभी खा रहा है, पचा पा रहा है। रुचि आहार काले, बहुत लोगों को ये भी एक प्रॉब्लम होता है, खाने भूख तो रहती है लेकिन रुचि नहीं रहती। ये भी आप क्वेश्चन पूछ के देखना, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, सर खाने की भूख तो बहुत लगती है लेकिन जब खाने बैठता हूँ तब स्वाद नहीं आता है,
रुचि आहार काले इंपॉर्टेंट है, धातु साम्य हो रहा है या नहीं इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अव्यवृतस्य च आहारस्य काले सम्यक जरणम, जो भी कुछ खाया हुआ है उसका सम्यक जरण होना। सम्यक जरण के फिर से अलग लक्षण दिए हैं, वो हम बाद में देखेंगे कभी। निद्रा लाभो यथाकालम, वेरी इंपॉर्टेंट, यथाकाल में निद्रा आना। यथाकाल मतलब अपने आप 10 बजे 11 बजे रात को निद्रा आनी चाहिए। अपने आप नहीं आ रही है तो विकृति है, या आ रही है फिर भी वो नहीं सो रहा है तो ये वेगावरोध है निद्रा का। वैकारिकाणाम च स्वप्नानाम अदर्शनम, स्वप्न देखना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन वैकारिक स्वप्न यदि आ रहे हैं। सुखेन च प्रतिबोधनम, अपने आप जग जाना, सुबह सुबह अलार्म की जरूरत न पड़ना, अपने आप उत्साहपूर्वक उसकी नींद खुल जाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। वात मूत्र पुरुष रेतसाम मुक्ति ही, आसानी से वायु मूत्र पुरुष शुक्र इनमें कहीं पर भी कोई अवरोध नहीं होना, जब जहाँ जिसकी जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए वैसी प्रवृत्ति हो जाना। सर्वाकार ही मनोबुद्धि इंद्रिया नाम च अव्यापत्तिर इति, और बाकी सभी इंद्रियों का अपने अपने विषयों का सुयोग्य प्रकार से ग्रहण हो पाना, ये धातु साम्य के लक्षण है। इजंट इट फैंटास्टिक, कभी इस श्लोक को इस नजरिए से देखा है? यस, वी हैव टू सी इट विद अवेयरनेस एवरी टाइम नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एक कुछ क्वेश्चन पूछा शायद, हाँ शरीर उपचय वाली बात संतरपन जन्य व्याधि में। शरीर उपचय का अर्थ है जितना होना चाहिए उतना, यदि उसका वेट भी ज्यादा था और उधर में शैथिल्य था बाकी सब चीजें थी और वो आपकी चिकित्सा की वजह से वेट भी कम हो रहा है उधर का धारणे भी प्रस्तुत हो रहा है तो दैट इज प्राकृत उपचय। उपचय से इस अर्थ में उसको लेना है, सिर्फ ज्यादा ही इस अर्थ से नहीं। ओके तो आइए फिर से चरक सूत्र 11 पे आते हैं। आहार स्वप्न तीसरा है ब्रह्मचर्य, अगेन टेकन फॉर ग्रांटेड व्हाट ब्रह्मचर्य मतलब क्या, एब्स्टिनेंस ऐसा हम सब ले लेते हैं। क्या है ब्रह्मचर्य का मीनिंग, बिना श्लोक पढ़े नीचे का बताइए। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज ब्रह्मचर्य? अभी आप विजुअलाइज करो एक एक श्लोक एक एक शब्द को हम कितने गलत तरीके से समझते हैं। वेरी नाइस, ब्रह्म में आचरण, ब्रह्म में रमण, वीर्य की रक्षा तो है ही, नो डाउट अबाउट दैट, बट इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग टू इट। श्लोक लाइन नंबर 4 देखिए चक्रपाणी का। ब्रह्मचर्य शब्देन इंद्रिय संयम सौमनस्य प्रभृतयो ब्रह्म ज्ञान अनुगुण गृह्यन्ते। ब्रह्मचर्य शब्देन इंद्रिय संयम सौमनस्य प्रभृतयो ब्रह्म ज्ञान अनुगुण गृह्यन्ते। ब्रह्मचर्य शब्द से ब्रह्म ज्ञान के अनुकूल इंद्रियों का संयम तथा मन के शुभ भाव आदि गृहित होते हैं। मन का शुभ स्थिति में रहना, समभाव में रहना, स्वभाव में रहना इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड। स्वभाव और विभाव, अपना अपनी जो मूल वृत्ति है, मूल वृत्ति क्या है, ज्ञान आनंद, उसी भाव में रहना इस स्वभाव, इससे विपरीत इससे हटना इस विभाव। जो भी अपने स्वभाव में रहता है वो ब्रह्मचारी है, फिर चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी करे या ना करे, यदि वो एक्टिविटी करते वक्त भी वो इंद्रिय में आसक्त नहीं हो रहा है तो वो ब्रह्मचारी है। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? इंद्रिय कंट्रोल नहीं, इंद्रिय जयोनंदनाना, किसी चीज को कर भी नहीं करना, किसी चीज को अनासक्त भाव से करना, मन के पावित्र से करना, शुभ भाव से करना। यदि संसारी व्यक्ति है उसके पत्नी की अपेक्षा है कि इफ शी वॉन्ट दैट पर्टिकुलर थिंग और वो नहीं दे रहा है तो वो भी चीज तो गलत है ना। सो वो सांसारिक एक वैवाहिक जीवन का कर्तव्य, उसे वो भी करना है, लेकिन भाव क्या चाहिए, भाव शुद्धि, अनासक्त भाव, इंद्रियों का संयम, मन के शुभ भाव के साथ उसे करना, यह ब्रह्मचर्य है। एब्सोल्युटली राइट, विदाउट अ डाउट दिस इज 100% करेक्ट। डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो।
हाँ वो हम देखेंगे कि अब्रह्मचर्य क्यों बोला है, वाष्टांग संग्रह ने बोला है, उसका मीनिंग यही है कि जैसे मैंने आपको बताया, सांसारिक जीवन में रहते हुए उस चीज को करना लेकिन भाव शुद्ध होना, इस अब्रह्मचर्य। इसलिए त्रय उपस्तंभ में वाग्भट ने रिप्लेस कर दिया है उस वर्ड को, ब्रह्मचर्य को, अब्रह्मचर्य से, क्योंकि क्योंकि वाग्भट वाची भट, वाची भटा वाग्भटा, जो वाणी का जादूगर था वो वाग्भट था, या जो बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति था वो वाग्भट था। एंड भगवान चरक इज समवॉट मिस्टिकल, वो सदगुरु के जैसे हैं, गूढ़ बातें बताते हैं। तो दोनों का अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस है। अलग अलग रुग्ण आपके पास अलग अलग स्तर पे आते हैं, किसी चीज़ में आपको वाग्भट का लॉजिक जरूरी होता है और किसी चीज़ में आपको चरक को यूज़ करना पड़ता है। तो दैट्स परफेक्टली फाइन। ओके, तो इन तीनों चीज़ों को हिस्ट्री में लेना ही है। आहार में मात्रा शब्द आ गया, निद्रा में धातु साम्य से देखिए आप लक्षणों से कौन से थे, और ब्रह्मचर्य में उसको पूछना है मैथुन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, खाने के कितनी देर बाद करते हैं, उसमें उनका आसक्ति भाव कितना है, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट को आप कंफर्टेबल कीजिए और उसके बाद आराम से क्वेश्चन पूछिए। पहले ही सिटिंग में पूछना चाहिए ये भी ज़रूरी नहीं, थर्ड फोर्थ सिटिंग में जब वो आपसे कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद आप पूछ सकते हो, लेकिन ये हेतु समझने के लिए ज़रूरी है। एक पेशेंट था, अर्श का पेशेंट था। तो उस अर्श के पेशेंट में अव्यवहार का इतिहास था, वो नेवी मर्चेंट नेवी में था, तो 9 महीने उधर ही रहता था मर्चेंट नेवी में, और बाद में 3 महीने घर पे आता था, फिर से उधर जाता था। यदि आप अर्श का और अर्श लेके ही आया था पेशेंट, अर्श का ही इतिहास था उसमें। तो पेशेंट में ऐसा अद्भुत ये था कि जब 9 महीने नहीं था घर पे रहता था तो जाहिर सी बात है अव्यवहार होता था, है ना, अव्यवहार का इतिहास था। लेकिन जब घर पे रहता था 3 महीने तो अति व्यवहार का इतिहास था। दोनों ही चीजें वहां पर चल रही थी साइमल्टेनियसली एज अ हेतु। और अर्श में वही लिखा है, आप अर्श के यदि हेतु निदान निकालो तो अव्यवहार और व्यवहार दोनों शब्द आए हुए हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अपान विकृति होकर उसको अर्श हुआ था। तो इस प्रकार से अजीब अजीब हेतुओं का कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर आपको दिखता है प्रैक्टिस में। फिर त्रिविधम बलम, सहजम कालजम युक्तिकृत, तीन बल है, सहज है, नेचुरल बल है हर एक व्यक्ति का, यू कैन नॉट डिस्टर्ब इट, यू कैन नॉट चेंज इट। युक्तिकृत आहार से आएगा, विहार से आएगा। सहज बल सत्व का भी होता है, सहजम यत शरीर सत्वयो, 36 श्लोक प्राकृतम। सहज बल प्राकृत बल है, शरीर और सत्व का बल है। और मन का बल क्या है यहाँ पर इन्होंने लिखा है, कैसे समझेंगे इसका मन अच्छा है या नहीं, इसी व्यक्ति का सत्व अच्छा है या नहीं। सत्व सारता के तो लक्षण दिए हुए चरक विमान 8 में, लेकिन एक शब्द में आपको समझना है कि इसका मन मन अच्छा है या नहीं है। सिंपल चक्रपाणी फर्स्ट लाइन, मनसो बलम वायत उत्साह उच्चते, यदि उस व्यक्ति में उत्साह है, हर एक चीज करने का उत्साह है, तो अनडाउटेडली उसका मन अच्छा है, राइट और रॉन्ग, है ना। तो ऐसे टीका पढ़ने से छोटे 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 हिंट्स मिलते हैं हमें चिकित्सा में, और ये प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा यूजफुल है रादर देन फॉर्मूले। फॉर्मूला आर वेरी होपलेस थिंग ऑफ स्टडिंग अ पर्टिकुलर थिंग, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड आप फॉर्मूले डिजाइन कर पाओगे आपके हिसाब से, राइट। ओके, और मैं इम्पोर्टेंट श्लोक आपको जो बताने वाला था वो स्पर्शनी इंद्रिय का, जो मैंने लॉजिक पहले भी आपको बताया है कि सभी इंद्रियों में दिनचर्या के एंगल से चक्षु इंद्रिय सर्व प्रधान है। क्यों? क्योंकि रात में हम सोकर उठते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं, कफ प्रधान सभी दोष जो है वो ऊपर के मार्ग में स्थित हो जाते हैं, इसीलिए आपको अंजन उपक्रम पहले करना है, क्योंकि चक्षु तेजोमयम विशेषात श्लेष्मनोभयम, उस कफ भय को मिटाने के लिए, उस लिहाज से चक्षुरेन्द्रियम प्रधानम सर्व इंद्रियाणा। अभी कॉन्टेक्स्ट बदला है, निर्देश चतुष्क में है, निर्देश चतुष्क में उन्होंने स्पर्शनी इंद्रिय को सबसे प्रधान इंद्रिय माना है। श्लोक नंबर 38 भी देखिए, टीका भी देखिएगा। इसीलिए मैंने आपको पारायण का फंडा बताया था कि तीनों उंगलियों को स्पर्श विज्ञान से आपको समझना है, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय सर्वव्यापक इंद्रिय है, बाकी के 4 इंद्रिय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन स्पर्शनी इंद्रिय से कनेक्टेड है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तभी भी वो स्पर्शनी इंद्रिय ही है एक तरीके से, उस विषय को जब हम स्पर्श करते हैं तब दृष्टि से देखते हैं चक्षुरेन्द्रिय से, किसी चीज को सूंघते हैं तब वो पार्टिकल्स वो मॉलिक्यूल्स आपकी घ्राणेन्द्रिय पर उनका स्पर्श होता है
तब बाद में जाके घ्राण इंद्रिय की एक्टिविटी शुरू होती है। इसलिए ना ब्रॉड वे स्पर्शन इंद्रिय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक वैद्य का कर्तव्य है कि वो अपने स्पर्शन इंद्रिय को स्ट्रांग बनाए, और स्पर्शन इंद्रिय को स्ट्रांग बनाने का सबसे सीक्रेट रास्ता है पारायण 3 उंगलियों से करना। बहुत कम लोगों को पता है ये, बट दिस इज अ सीक्रेट। इससे आप आपका स्पर्शन इंद्रिय एक्टिवेट कर पाओगे। और दूसरा लॉजिकल रास्ता है अभ्यंग। तो जितना एक वैद्य स्वयं पर काम करेगा, अभ्यंग हम नित्य करेंगे, तो नेचुरली हमारा स्पर्शन इंद्रिय अच्छा होगा। स्पर्शन इंद्रिय अच्छा होगा तो नेचुरली बाकी के 4 इंद्रिय अच्छे होने ही होने हैं। और सोचो आपके 5 इंद्रिय यदि उत्कृष्ट हो जाए तो आप क्या कुछ नहीं अचीव कर पाओगे, राइट? तो कौन कौन आज से अभ्यंग करने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट 2x a week इफ नॉट डेली, टाइप आई विल डू नित्य अभ्यंग। अमेजिंग अमेजिंग फैंटास्टिक। फिर आप कौन सा तेल यूज करते हो, ये करते हो, दैट इज डिफरेंट ऑल टुगेदर, डिफरेंट एस्पेक्ट। फर्स्ट इज विल पावर, यस आई विल डू इट, मैं भी टाइप कर देता हूँ, मुझसे भी नहीं हो पा रहा है डेली। ग्रेट, अगेन स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। हर दिन करूंगा मत कीजिए, नहीं होगा, थोड़े दिन कर पाओगे फिर से छोड़ दोगे, उससे अच्छा हफ्ते में एक ही दिन करूंगा चलेगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे, हमें कोई घाई गड़बड़ नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी है, राइट? तेल भी, धन्वंतर तेल इज द मोस्ट वंडरफुल तेल अभ्यंग के लिए, उसके पीछे अलग लॉजिक है, यदि आप वो यूज कर सकते हो तो यूज कीजिएगा, अन्यथा आपकी युक्ति से आपको जो यूज करना है आप यूज कीजिए। अभी ठंडी है तो यू कैन इवन यूज सरसों का तेल या कोई भी उष्ण तेल थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं इस अध्याय में, दैव उपाश्रय का महत्व बताया है, फिर त्रयो रोग जो बताया ना उसमें निज आगंतु मानस ऐसा क्लासिफिकेशन किया है, निज आगंतु मानस। वाग्भट ने मानस को आगंतुज के अंडर ही लिया है, चरक ने मानस को अलग सेपरेट किया है, आगंतुज को अलग बोला है, मानस को अलग बोला है, वाग्भट ने आगंतुज के अंतर्गत ही मानस को लिया गया है। और मानस रोग मतलब क्या, तो सिंपल बताया है, मानसाह पुनः इष्टस्य लाभात् अलाभाच्च अनिष्टस्य उपजायते। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की प्राप्ति से मानस रोग उत्पन्न होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इष्टस्य लाभात् अलाभाच्च, अभी इसकी टीका भी अच्छी है, एक इसका पार्ट में ऐसा है, इष्ट की प्राप्ति न होने तथा अनिष्ट के प्राप्त होने से। ये तो जाहिर सी बात है, जो चीज आपको चाहिए वो नहीं मिली या जो चीज नहीं चाहिए थी वो मिल गई तो मानस रोग होंगे। लेकिन इस पाठ में एक चकार यूज किया है, इसे समुच्चय तंत्र युक्ति कहते हैं, उसे समुच्चय से समझना होता है। जो शब्द का अर्थ उन्होंने लिया है, इष्ट का लाभ होना भी मानस रोग का कारण होता है, ऐसा समझना चाहिए। फिर से समझिए ध्यान से, इष्ट का लाभ होना भी, जो आपको चाहिए है वो मिलना भी एक मानस रोग है। समझ रहा है नहीं समझ रहा है, टाइप इन द चैट बॉक्स। है ना, उसके पीछे का इम्प्लाई मीनिंग ये है कि आसक्ति भाव उसमें आ जाता है, किसी चीज को आप चाहो वो मिल जाए, तो आप कहीं ना कहीं प्राप्ति के लिए ही कोशिश कर रहे हो ना। जैसे हमने गोल कार्ड भी बनाया है तो कहीं ना कहीं वो प्राप्त करने के लिए किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गोल नहीं रखना है, गोल रखना है बट उसे कैरिड अवे नहीं हो जाना है, वो मिल जाए तो बहुत खुशी होगी ऐसा सोच के आप करोगे। तो अमूमन तौर पर ऐसा होता है कि वैसे नहीं होता है, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल डायमेंशन है इसको, इसलिए मैं इसके ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग अभी, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट आपको बताना था इसलिए मैंने बताया। सिर्फ ध्यान में रखिएगा, किसी चीज को हासिल करना है वो नहीं मिलना भी मानस रोग है, किसी चीज
को नहीं प्राप्त करना था वो मिल चुका है, वो भी मानस रोग है। और इष्ट का लाभ होना भी मानस ही रोग है एक तरीके से, वो हम बाद में कभी उसके ऊपर डिटेल में करेंगे। ये यूज होता है बहुत बार काउंसलिंग में इन चीजों का, इसलिए आपको मैंने सिर्फ निर्देश मात्र किया है। फिर औषध दैव व्यपाश्रय युक्ति व्यपाश्रय सत्वावजय, जैसे कि मैंने पहले बताया है, दैव व्यपाश्रय फर्स्ट ट्रीटमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, निग्लेक्टेड ट्रीटमेंट है। टीका में क्लियर है, अत्र दैव व्यपाश्रयम् आदाव उक्तम आशु व्याधि हरत्वेन। इंस्टेंट पेन किलर कोई है तो दैव व्यपाश्रय है। उन 11 चीजों में से कौन सी चीज उस व्यक्ति को देनी है या आपके सत्व के ऊपर निर्भर करता है और उसके हेतुओं के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप दैव व्यपाश्रय चिकित्सा करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, वो तो कहते हैं कि दैव व्यपाश्रय नंबर वन है। आपको नंबर वन यूज करना है तो आपको उतना पोटेंट होना पड़ेगा, नहीं है तो आप युक्ति व्यपाश्रय सत्वावजय से भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि एक वैद्य राज वैद्य कौन है जो एक ही कंडीशन को 35 प्रकार से ट्रीट कर सकता है। एक ही कंडीशन लेकर पेशेंट आए, मलावष्टम लेकर आए, लेकिन वैद्यों के पास 35 रास्ते हो मलावष्टम में ट्रीट करने के लिए। आढ्य रोगी है तो क्या, मध्यम रोगी है तो क्या, जंगल देश में है तो क्या, मेरे पास ये औषध उपलब्ध नहीं है तो क्या, औषधि ही नहीं है तो सिर्फ सत्व के बेसिस पर मैं उसका मलावष्टम में ठीक कर सकता हूँ क्या, मुझे औषध देनी ही नहीं है सिर्फ आहार से मैं पथ्यापथ्य से उसका मलावष्टम ठीक कर सकता हूँ क्या, मलावष्टम को अस्थि धरा के थ्रू ठीक कर सकता हूँ क्या। इस प्रकार से अलग अलग डायमेंशन से हमें सोचना पड़ता है तो एक पूर्ण वैद्यत्व का विकास होता है। राइट, सो वी हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट विद अस, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। हाउ वॉज द सेशन, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। कुछ अलग सीखने को मिला, कुछ नई चीजें ध्यान में आई, कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए, वेरी नाइस। कन्फ्यूजन्स, लेट द कन्फ्यूजन्स बी क्रिएटेड, लिखिए उसको, कन्फ्यूजन जो जो है लिखिए। इन द टाइम बींग विल कीप ऑन डिस्कसिंग दोज थिंग्स। कोई चीज एक इसमें समझ में आ जाए तो उसका मजा नहीं है। यस बोलिए। अनुर ही प्रथमं बुधवार रोगः पश्चात् विवर्धते, इस पर एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, तो कोई भी रोग अनुर ही पहले छोटे फॉर्म में रहता है, चय स्वरूप में रहता है, चय एव जयेत दोषम, इसका ही एक दूसरा फॉर्म है। लेकिन रुग्ण ज्ञापक नहीं होता है या उस चीज को बहुत लाइटली ले लेता है, जैसे स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, ये सिंपल लक्षण है। पेट हेवी फील होता है पेट में, ये बहुत दिनों तक लक्षण लोगों में रहता है, वो या तो देखकर भी अनदेखा करते हैं या उन्हें समझ में नहीं आता है। सो जो रुग्ण ज्ञापक होगा तो वही इस लक्षण को पहचान पाएगा, तो फिर आगे की संप्रप्ति होगी नहीं, चाहे एव अवस्था में या तो स्वयं जीत लेगा या वैद्य की मदद से उसे हम जीत पाएंगे। ओके, वी शैल डिस्कस द अदर थिंग्स इन द ग्रुप, ओके, एज वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच।